चौरसिया की रिपोर्ट। विश्व कैंसर दिवस पर असरफी हॉस्पिटल एवं असरफी नर्सिंग स्कूल ने आज कैंसर जागरूकता रैली निकाली। आज विश्व कैंसर दिवस पर असरफी हॉस्पिटल एवं असरफी नर्सिंग स्कूल ने कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए रणधीर वर्मा चौक से सिटी सेंटर तक रैली, कैंसर की पहचान, रोकथाम तथा बचाव के उद्देश्य से निकाली गई तथा लोगों को संदेश दिया कि खैनी, गुटखा, जर्दा, पान, मसाला, सिगरेट, बीड़ी तथा अन्य नशीली पदार्थों के सेवन से परहेज करें। एक मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू की गिरफ्त में आए शरीर को पुनः शुद्ध होने में 15 वर्ष लग जाते हैं, इसलिए अपने शरीर तथा अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखें। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 17 लाख लोग 2021 में कैंसर के चपेट में आ सकते हैं। 2018 में कैंसर की बीमारी से दुनिया भर में 96 लाख मौतें हुई थी तथा वर्तमान में 22.5 लाख लोग सिर्फ भारत में इस जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं। बाइट एम के प्रसाद, असरफी हॉस्पिटल, धनबाद। क्या नाम है आपका? सोनी मुर्मू। किस उपलक्ष्य में ये रैली निकाले हैं? ये विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने असरफी हॉस्पिटल और असरफी नर्सिंग स्कूल के द्वारा ये रैली निकाला गया। हर साल निकालते हैं हम लोग। ये जागरूकता रैली है जिससे हम लोग एक जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि कैंसर से डरना नहीं, कैंसर को हराना है। हम अपने आस पास पड़ोस में साफ स्वच्छ रहें, धूम्रपान से बचें और कैंसर को हराएंगे हम लोग, ये हम लोगों ने निश्चित किया है। और आज के डेट में जो है हम लोग इसका पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग कैंसर से लड़ सकें और कैंसर को हराएंगे। कहाँ से कहाँ यह रैली? रणधीर वर्मा चौक से सिटी सेंटर तक जाएगी और हम लोग वहीं पर समापन करेंगे रैली का। कल का रैली हम लोग का है घरिया में। इस तरह हम लोग का भी कंटिन्यू 4 से 5 दिन रैली करेंगे अलग अलग जगहों पर। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम MD मुख्तार हुआ, मैं असरफी हॉस्पिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ और इसके लिए ये रैली का रैली में हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। और बस सबसे यही आग्रह है कि इस रैली में शामिल होकर इसको सफल बनाएं और अपने आसपास पड़ोस को साफ स्वच्छ रखें और स्वस्थ रहें।